देख लो डीजी फैमिली, पापा पाजी तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं भाई, मैं आपको ये अवगत करा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग है जी आपका एक और डेली ब्लॉग से। आज है 6th नवरात्रा, आइए दिन चालू करते हैं और देखते हैं आज शादी की प्लानिंग में, शॉपिंग में क्या क्या चीजें होगी। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह बना जा रहा है साबुदाना, मैंने ले लिया अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। और आप लोग क्या खा रहे हो? आलू पराठा। और आप क्या खा रहे हो? साबुदाना की ऑरेंज। ऑरेंज, मम्मा को एकदम खुशबू आई ऑरेंज की, मम्मा का फेवरेट है ऑरेंज। मम्मा वाज लाइक आई फर्स्ट हैव द ऑरेंज। यार इस बार नवरात्रि इतने हेक्टिक जा रहे हैं ना, प्लानिंग और ये सब चीजें, जैसे जैसे शादी के दिन पास आई जा रहे हैं ना, काम पहले भी काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी सारी चीज़ें पहले हम लोग प्लान कर चुके हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ ना, सब बोलते हैं कि भाई ये शादी के काम तो एंड ऑफ द डे तक, और वो तो हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा ही था भाई की शादी में, तो सारी चीज़ें अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, बट स्टिल एक वो चीज़ होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल नवरात्रि में, लास्ट नवरात्रि आपको याद होंगे, घर के पास 5-5 रामलीला लगती है। इस बार 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मतलब आज 6ठा दिन है, 5 दिन हो गए अभी तक रामलीला हम लोग गए नहीं देखने। लास्ट टाइम तो हर दिन एक नई रामलीला गए थे ऐसे देखने, पंजाबी बाग वाली रामलीला भी गए थे देखने, पीतमपुरा वाली भी, सारी चीज़ें देखी थी। इस बार बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा, कोशिश करते हैं या तो आज या फिर कल, क्योंकि कल भी कुछ कुछ प्लानिंग है, सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं अभी। अभी क्या है कि मेरी शॉपिंग सारी हो गई है, स्टिचिंग वगैरह आ गई है, मतलब फिटिंग वगैरह, बाकी लोगों की आधी शॉपिंग हो गई है, तो अभी वही फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे जाए, ज़्यादा भाई को भी एग्जर्शन ना हो, जैसे हम लोगों का जो शॉपिंग वगैरह होती है उसमें भाई को साथ में लेके जाते हैं, फिर मम्मा और भाभी की शॉपिंग है उसमें फिर ऐसा करते हैं कि भाई थोड़ा रेस्ट करे, वो चीज़ रहती है। फिगर आउट कर रहे हैं कैसे करें क्या करें, ताकि सारा काम भी हो जाए और एग्जर्शन भी कम हो। एक तो आप सब लोगों को तहे दिल से थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आए गेट वेल सून भाई वाले ब्लॉग पे, और वैसे भी अभी भाई की रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मतलब हर चीज़, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, तो रिकवरी हो रही है, अच्छे प्रोग्रेस पे चल रही है, बस टाइम लग रहा है। नमस्ते, क्या है ये बड़ी हाई लेवल डिस्कशन चल रही है, ये कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3, कैंडिडेट नंबर 4, ये मैं पार्टिसिपेंट करो। पापा जी ये वाला कॉन्वर्सेशन हम नहीं बता सकते। नहीं, ये मैं कॉन्वर्सेशन नहीं बता रहा, लेकिन ये बता, मैं भैया अपने व्यूअर्स को जो है डीजी फैमिली को मैं अवगत करा रहा हूँ, बड़ी हाई लेवल डिस्कशन चल रही है ये पिकू पाजी का उसके, क्योंकि आप जैसे जैसे अभी पता चलेगा मैं पूरा कुछ क्यों बोलते रहता हूँ, आधी चीजें तो कुछ ही होती है। डी डे जैसे जैसे पास आ रहा, बहुत हाई लेवल, जैसे यूएन कॉन्फ्रेंस चलती है ना, वो चल रही है, यूएन कॉन्फ्रेंस की तरह चल रही है। भाई मैंने कहा मैं जरा देख लो डीजी फैमिली, पापा पाजी तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं भाई, मैं आपको ये अवगत करा रहा हूँ, जिसको कराना है वो अपना मस्त रह रहा है। पापा जी वो कॉन्वर्सेशन में डीप इन्वॉल्व है, आप समझ नहीं। मैंने और भाभी पाजी ने रात को बैठ के कई सॉन्ग्स देख लिए हैं, डांसेस पे करना। वो सॉन्ग्स का उसने, वो कामाक्षी ने बोला कुछ थीम ढूंढी है उसने, अगर आप लोगों का चले वो तो ना, कुछ हम करेंगे कि नहीं करेंगे, सब कुछ तुम लोग ही करोगे, ये भी हमने ढूंढ लिया, ये भी हमने गाए ना, हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। पापा जी ये भी मैंने ढूंढ लिया, ये भी मैंने कहा। पापा जी हम लेट हो गए ना, इन्होंने साल भर पहले सारी प्रिपरेशन कर ली थी, साल भर पहले हमारी, 1.5 साल पहले हमारी जब तैयारी हो रही थी ना, इन्होंने हमारी भी तैयारी निपटा ली थी इसलिए। ये तेरी जो बात है ना कि तुम्हारी जब हो रही थी, ये दोनों 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 छुटके घूम रहे थे तब, कोई बड़ी बात नहीं, ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, साल भर पहले और हमारा ये होगा। हाँ ये गए ना, कोई बड़ी बात नहीं है, शादी तुम्हारी हो रही थी, प्लानिंग इनकी हो रही हो, 1.5 साल हो गया। अच्छा तभी, 1.5 साल बस, तभी मैं देखूं कि कामाक्षी तुम्हारी शादी में सारी रस्में वगैरह बहुत ध्यान से देख रही थी। 1.5 साल पहले तो ये बहुत कम टाइम है, तो जाते ना डिस्कशन, मम्मी ये चाहिए होगा ना, हम भी चाहिए, अच्छी होगा ना। सही है। बड़ा भाई है, छोटे भाई की खबर पूरी रखते हैं, ऐसी बात पूरी रखनी चाहिए, ऐसा करना है। हाँ भाई ये देख लो पापा पाजी आपको बीच बीच में से ना चोरी से पूरे करे, अब ठीक है, अब ठीक है, पापा पाजी आपको बीच में से, ये सब बिजी थे, मैंने अपना फोन निकाल के रिकॉर्ड कर दिया कि क्या चल क्या रहा है मामला, डिस्कशन हाई लेवल डिस्कशन चल रही है।
मैं मामा बोलते मैं थोड़े से बना रही हूँ, और थोड़े से भी इतनी बड़ी थाल पूरी भर के पकौड़ों की बना दे रही मम्मा ने। इसे ब्लू के साथ का ही है, जो मेरा ब्लू है ना उसके साथ उसका ही पर्पल कलर है। यही तो मैंने अभी मम्मा को दिखाया, मम्मा बोलती नहीं ये इसके बदले कलर अच्छा है, कलर नहीं ये तो पापा फिर हो गया इसके जैसा। मम्मा का, मम्मा का उसके साथ मैचिंग नहीं हो जाएगा। अच्छा कल के दिन गए थे हम लोग ट्रायल्स वगैरह देने, तो सारी चीज़ें फिटिंग वगैरह सब कुछ सही आई, बस शेरवानी की थोड़ा बहुत मतलब जैसे फर्स्ट ट्रायल ही था तो सेकंड ट्रायल तक आते आते सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत प्यारा मस्त पहले तो मतलब सब कुछ बना बहुत अच्छा है, और दूसरा कंटेंट बहुत अच्छा बना है। आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा, वेडिंग लुक, शेरवानी और सगन का जो चीज़ें हैं सारी बहुत मस्त मस्त बढ़िया बनी है। तो वो कल फिटिंग वगैरह कर रहे थे ना, तो एक आध चीज़ थोड़ी थोड़ी टाइट आ रही थी, तो मैंने भैया को बोला भैया अभी मत देखो, जब सेकेंड ट्रायल करने आऊँगा ना तब देखना, क्योंकि अभी पिछले ना कुछ दिनों से जब से गोवा जाने से हफ्ता पहले या दिल्ली के जो शूट जब ख़त्म हुए थे ना, दिल्ली के शूट जब ख़त्म हुए थे तब से मैं ऑफ डाइट हूँ, सॉर्ट ऑफ बिंज ईटिंग टाइप से ही करी जा रहा हूँ। बिंज ईटिंग भी क्या मतलब, एक्चुअली क्या है ये डाइट करना जो है ना, इट्स मोर डिसिप्लिन देन डाइट या फिर एक्सरसाइज या वो, एवरी थिंग इज डिसिप्लिन। तो अभी ऑफ डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन का क्या है ना, अगर हो गया तो ऐसा ख़तरनाक होता है, मेरा एटलीस्ट ऐसा ख़तरनाक होता है कि बहुत ही ख़तरनाक होता है, और अगर नहीं होता तो फिर ऐसा होता है कि जो मर्जी कर लो होता ही नहीं है। तो अभी लिटरली ऐसा हो रखा है कि पीछे नवरात्रि से पहले मैंने राजमा मंगवाए, जस्ट राजमा जो अपना राजमा और खीरा गाजर खाता हूँ, और फिर शाम को कुछ मैंने अनाप शनाप खा लिया, राज कचौड़ी या कुछ, फिर कुछ ऐसी खा ली, कुछ भी खा लिया। अब एक तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है ना, वेडिंग प्लानिंग की, कंटेंट की, कि वेजी पाजी का चलो ट्रैवल का कंटेंट तो शूट हो गया है, बट उसको कैसे डालना है, स्केड्यूल करना है, साथ में और चैलेंज वाली वीडियोस है, कुकिंग बाजी की रेसिपीज़ है, सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन माइंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब ये सब करते करते 10 बज जाते हैं एवरी डे, तो बैडमिंटन का भी टाइम नहीं मिलता, कल्ट बंदा सुबह सुबह लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, और एक्सरसाइज का टाइम मिल नहीं पा रहा क्योंकि स्केड्यूल अभी इतना पैक चल रहा है, और डाइट अभी सही से हो नहीं पा रही, तो अभी थोड़ा सा ऑफ चल रही है डाइट, वेट मैनेजमेंट वगैरह, लाइक जस्ट कमिंग टू टर्म्स विद दैट, दैट इज आल्सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। पापा ये लोग तो आ भी गए। हेलो पापा, ये तो लेडीज गैंग आ भी गए, हम चले अपनी शॉपिंग पे। लेडीज गैंग बहुत फास्ट है, मम्मी फटाफट डिसाइड कर ले। तो आपने डिसीजन ले लिया? हम दो तीन जगह गए जो हमने काम कर फाइनल फिनिश डन, सब कुछ कर देते हैं हम, खत्म टाटा बाय बाय। और जो हम लेके गए थे हम वापस ले आए। अच्छा जो लेके गए थे उसको भी तो खत्म टाटा बाय बाय करना था। नहीं वो नहीं, नहीं उसको हमने खत्म टाटा बाय बाय नहीं किया, और ले आए हैं ताकि घर बैठ के आराम से खत्म टाटा बाय बाय कर सके। मैं तो अपना खाना ही खा रहा था, ये ऑरेंज, थोड़ा सा आलू और थोड़ा सा साबुदाना, अब साथ में लूंगा थोड़ा सा दही और थोड़ी सी हरी चटनी व्रत वाली।